सो फाइनली गाइस अभी हम वेटिंग हॉल में हैं, यहाँ पर देख सकते हो अपना जितना भी है हेलीकॉप्टर के लिए, यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चॉपर में, तो अपना चॉपर जल्द आने वाले, और ये वेटिंग है, सबसे लास्ट में ही जाएंगे ऐसे लग रहे हैं हम लोग को। बाकी चलिए चलते हैं, तो यहाँ से सभी तरह के लिए आए हुए हैं और यहाँ से हेलीकॉप्टर दिखा रहा हूँ आपको, ये चॉपर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चॉपर में, देख सकते हो, तो अभी हम चॉपर में जा रहे हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो यहाँ से चॉपर अपना इसे में जाना है अपने को, चलिए चलते हैं, और यहाँ से अपना चॉपर, फोटो नहीं फोटो नहीं।
फाइनली गाइस मैं और सनातन एक चौपर पे आ चुके हैं और यहाँ पर ये चौपर लैंडिंग किया अपना। देख सकते हो व्यू देखिए ऊपर के यार कितना गजब लग रहा है। और महेश और संदीप आ रहे हैं दूसरे चौपर पे क्योंकि हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा था तो वेट का इसमें डिवाइड करके लाता है वेट को। तो चलिए वो लोग आते फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो फैले गए सवेरे हो चुका है और हम उठ गए हैं, अभी देख सकते हो हमारा टेंट कुछ इस प्रकार से था जहाँ पर हम रुके थे। और एक नाइट का भी यहाँ पर 750 रुपये रेट चल रहा था तो अभी हम बार्गेनिंग करके रुके थे। और यहाँ पर अपना सब दोस्त यार सोते हुए हैं और मैं आपके यहाँ पर सनातन यहाँ पर संदीप ये सब सिलेट इंसान देख सकते हो चुई चुनून कर रहे हैं बोल रहे देख सकते हो। तो यहाँ पर सब लोग सो कर उठ गए हैं, अब चलते हैं हमारे कैंप के बाहर और यहाँ से नज़ारे देखिए मॉर्निंग का बहुत ही गजब है। ऊपर में बादल आए हुए हैं और उधर भी बादल बादल आए हुए हैं, बारिश होने का संभावना दिखा रहे हैं मैं लेकिन नहीं होगा जल्दी से। यहाँ तो पूरा वो भी इधर देखिए आप लोग और यहाँ पर घोड़े वगैरह बहुत सारे जो आए सामान वगैरह ले जाने के लिए। तो अपना टेंट नंबर था 993 और यहाँ से तो चलिए फ्रेश वगैरह होते हैं दोस्तों फिर यहाँ से निकलते हैं। और बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर अगर आओगे तो दोस्तों जैसे आप हेलीपैड से आओगे तो पंचतनी में आपको उतार जाएगा, हाँ आपको लगभग 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो पंचतनी का व्यू है देख सकते हो आप लोग, ये गजब का व्यू पंचतनी का देखिए। और यहीं पर आपको हेलीकॉप्टर उतार देगा जो भी आएगा, यहाँ से आपको 6 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ता है। तो अपना टेंट के साथ कुछ सूर्य इधर से लिखा रहे भगवान और चलिए यहाँ से पैदल चलते हैं और ट्रैकिंग को आगे करते हैं, बाबा बर्फानी के धाम के लिए निकलते हैं। चलिए सो गाइस अमरनाथ यात्रा रूट है देख सकते हो। और अभी हम लोग कहाँ पर हैं, चंदनवारी पिसोट ऑफ जोजिला सिफनांग, ये जब पहलगाम से आगे है और वहाँ से आगे उसके लिए है। सो फैले गए हमारा यात्रा चालू हो गया है, सभी लोग अब यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से जैसे चेकिंग वगैरह कराते हैं फिर चेकिंग कराने के बाद निकलेंगे आगे की। तो चलिए और लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना है यहाँ से।